ड्राइविंग सीखी है तो मुझे ये ना लॉन्ग ड्राइव मैंने क्या हो रहा है जो ऑटो यूजर होंगे उनको पता चल गया होगा लेकिन ये मुझे बहुत मतलब मेरा सर घूम रहा है इससे क्या करनी है क्या की जाती है खाई जाती है अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं और सबसे पहले नाश्ता लेकिन नाश्ते में ना यार एक दिक्कत आ गई है ये आ गई है परेशानी के लाइट नहीं है लाइट आएगी तो फिर देखेंगे और वैसे आज क्या बन रहा है देखते हैं किचन में जाके या फिर फ्रूट पड़े हुए हैं तो मेरी बताई थी कि रात को और ज़्यादा सेब आ गए थे तो चलो सेब खाते हैं ये तो इतनी जल्दी कैसे आ गया टाइम से पहले अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए ऊपर हैं तू कैसे आ गया बता जल्दी मुझे कैसे आ गया इतनी जल्दी तू घर घड़ी खराब है मेरी घड़ी 5 मिनट आ गया है 10:10 हुए 5 मिनट तो घर भी आ गया अब 15 मिनट कैसे निकल गया स्कूल से इतना रश होता है यू नो बच्चे धिक्का देते हैं एक दूसरे को तो कैसे निकल आया इतने रश से आज मैंने धिक्के दिए सबको आज आपने धिक्के दिए और निकल आया ऐसे था गाड़ी सीखने जा रही हूँ तेरा भाई के साथ आपने आना कब अभी वो नहा के जाएगी शायद उसको ले जाइए नहीं मुझे नहीं पता गाड़ी खड़ी है ना आज फिर दोबारा जा रही हो जाएगा आप भी सीखोगे हैं मुतार से पहले ट्रेन होके आ जाओगे चलो ना हाउ लाइट आती है जैसे मल्ले जी बन रही है मसाले कूटे जा रहे सो गाइस सेब यार मेरा ना सेब अभी नहीं खाने को दिल कर रहा मतलब शाम में थोड़ा खाऊंगी लेकिन मेरी मम्मी कह रही है अभी खा ले आज ना गर्मी बहुत है यार बहुत गर्मी है गुड मॉर्निंग सना कैसी हो ठीक हो ये कहती है मेरा कोई ऐसे ना मुझे कैमरा पकड़ के ना मुझे शूट करे तो बहुत अच्छा लगता है इसका तो मैंने कहा चलो मैं आज इसकी गुड मॉर्निंग वाली ना थोड़ी सी शूट कर लूँ 1 बजे इसकी गुड मॉर्निंग हो रही है अब मूड हो रही है देख रहे हो आप लोग हैं हाँ गाइस ये मैंने कैचर ले तो लिया लेकिन ये मुझे बहुत मतलब मेरा सर घूम रहा है इससे हैवी है हैवी है वैसे भी हैवी है ये भी बताना यार मुझे ना ऐसे ना मतलब खुशबू आ रही है लाइक कोई ना जैसे लकड़ी को जला के कुछ बना रहा हो लाइक जैसे कोई लकड़ी की मतलब क्या मतलब पता नहीं अब क्या बना रही है मुझे थोड़ी पता है लेकिन बड़ी खुशबू आ रही है यार मज़ेदार वाली अब पता नहीं कौन लकड़ी जला के क्या कर रहा है मुझे खुद नहीं पता ये क्या हो रहा है सिर में दर्द हो रहा तो बेल्ट बांध लो इसका मतलब हैं ये हल है ये हैं देसी बताओ ले लो देसी बताऊं सो गाइस नान मंगाया हमने और ये कलेजी बन के आ गई है काका भी खा रहा है नहा भी लिया है काके फिर कैसी है मजेदार है मजे की लग रही है नान के साथ हैं गरम गरम नान गरम गरम कलेजी है हाय मजेदार लिखा हुआ है कप पे कॉफी लेकिन है अंदर चाय चलो पीते हैं चाय पूरी तरीके से बैठी हूँ मुझे ना लो तेरा पकड़ा हुआ सीधा करके लो यार तुम मुझे वो इंडियन की जो एक्ट वो ड्रामों में जो होती नहीं आंटियाँ उनकी तरह ये बाल क्यों तुम्हारे वाइफ देते तुम ऐसे बाल क्यों करती हो उनकी तरह मुझे बस इतना सा जवाब दे दो आज नहीं हाय 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 आज है सैटरडे और आप लोगों का ना इसलिए बताया नहीं कि इसके बुक्स तो आ गई थी असाइनमेंट मैंने इसलिए लिखना स्टार्ट की थी यार हम लोग की बुक्स तो ले आए थे लेकिन ना जो मतलब की बुक्स में भी ना पीछे वो असाइनमेंट के आंसर्स में मतलब वो लिखे होते हैं इस पेज पे इसका आंसर है ये वो मतलब ऐसे पूरी उसमें से कैसे ढूँढूँ मैं तो हम लोग थर्सडे वाले दिन भी गए थे उन्होंने कहा कि सैटरडे वाले दिन आज है सैटरडे तो अभी हम जा रहे हैं लेने देखें आज भी मिलते हैं कि नहीं मैं कह रही हूँ मिल जा रहा हूँ दस की यूनिफॉर्म भी लेना है उसको याद है ना वो एक शर्ट पता नहीं क्या कराया था फाड़ाया था पता नहीं क्या ख़त्म गंदी शंदी कराया था ख़त्म हो गई तो उसका यूनिफॉर्म लेना है और मैंने अपनी की बुक के वही नोट्स वगैरह लेने तो अभी हम जा रहे हैं गुलगश चलो देखते हैं मुझे दुआ कर रही हूँ कि आज ही मिल जाए यार ताकि मैं आज से लिखना स्टार्ट करूँ अभी मुझे ये भी नहीं पता कि लास्ट डेट कब है असाइनमेंट सबमिट करवाने की अभी वो भी मैंने चेक करनी है खुद ही सारा कुछ ऑनलाइन ही चेक करना पड़ता है ओए ये बचा आ गया पढ़ पढ़ के आ गया अब हम जा रहे हैं जाना है आपने नहीं क्यों नहीं पूरा आधा घंटा लगा यार इन्हें निकालने में अभी मैंने जोर जोर से सुनाई है तो निकल वाले तो निकलने का नाम ले मुझे यही तू गड्डी का डसी आए अच्छा अभी मैं उठी हूँ गाड़ी का सुना तो मैं ये कर लूँ फ्लां कर लूँ ये लोग ऐसे ही कहते हैं यार गाड़ी बाहर निकाल के मैं खड़ी रहती हूँ ये लोग आते ही नहीं है चलो बस अब हम निकलते हैं सो गाइस ये मैडम जो है ना तैयार हो गई है वॉक पर जाने के लिए इधर खड़ी रहना जरा ये मेरे जूते इसने चोरी कर लिए स्टाइलो का बैग तो बिल्कुल ही मैच हो रहा है इसके साथ जॉगिंग करते हुए ये कौन लेके जाता है यार चल आ जा यार ये रही खड़ी चिट्टी गाड़ी आल्टो हम लोग ज़्यादातर इस पर इसलिए जाते हैं कि जब ये खड़ी होता है तो हम इसी पे जाते हैं अपनी सिटी नहीं निकालते आप लोग समझ गए होगे
जो आल्टो यूज़र होंगे उनको पता चल गया होगा, जो आल्टो है उनके पास ये पेट्रोल कम खाती है यार। सिटी तो मतलब हम लोग 5000 का डालते हैं और हमारा 1 वीक भी नहीं निकलता और वो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, और इसका 500 में हम लोग ना मतलब इतना ज़्यादा घूम लेते, इतने ज़्यादा चलते सिटी में, तो हम लोग ज़्यादा दूर कहीं जाते भी नहीं है और फिर भी इस पर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इस पर नहीं होता जल्दी ख़त्म। ये बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब सिटी में चलाने के लिए गर्ल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम मज़े की। लेकिन है अंदर से एक डब्बा टाइप ही लगता ही है। सो आज अभी भी नहीं मिली है वो, मतलब ये कह रहे हैं न्यू आया ना तो अभी मतलब आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या सीन है यार, वो कह रहे हैं न्यू बुक्स आई इस वजह से ना। खैर सना को हमने छोड़ दिया जी, अपनी वर्कशॉप करें और आज चिप्स खाने का भी प्लान है तो हम चिप्स खाएंगे, ये इधर चिप्स वाला होता है ठीक है। तो और अम्मी वालों को बता दिया ये अपना मार्केट जाएंगे और अपना जाके जो है वो करेंगे यूनिफॉर्म वगैरह जो भी लेना उधर मार्केट उधर से खरीद लेंगे ठीक है, और हम भी बस चिप्स खा के अंदर मतलब ऑर्डर दे के चिप्स का। तो वैसे हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त है और ये पूरा लेडीज़ पार्क है ठीक है, आप लोगों को व्यू दिखा दिया मैंने। और सना पता नहीं कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता, वो रही सना वो ये वो पता नहीं नज़र आई कि नहीं आप लोगों को। ये मेरी है, ये मुदस्सिर की है, हमने यहाँ पर रखी है, सना की है। तो वैसे ये प्लेटें रह गई, ये मैंने अभी जाकर देनी, और मैंने मुदस्सिर का हिस्सा भी खा गई हूँ, और मैं अभी देख रही थी बता रहा यहाँ पर खाई थी च्युइंगम फ्रेश अप, तेरा मुझे भी देना यार च्युइंगम। तुमने क्या करना, क्या मतलब क्या करनी, खानी है यार दो जल्दी करो। तुमने कब अजीब बातें करी, कह रही तुमने क्या करनी है, क्या की जाती है खाई जाती है यार दो यार, आसानी भी हो रही है बस मैं मन करी जल्दी दो। जी हम दोस्त की बेल्ट कपड़े आ गए यार, इसमें है हम एक फ्रॉक लेकर आए हैं, बहुत चल रहा था आजकल ट्रेंडी, ये इसका गला है, मतलब सारी ना चुन्नटें ही डली हुई हैं इसको, ये देख रहे हो आप लोग सारी चुन्नटें, बाजू पे भी चुन्नट कहते हैं बेल्ट कहते हैं क्या, वो ही सारा कुछ डला हुआ, कितना अच्छा कलर लग रहा है ना, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही नया लेके आया, बेल्ट भी लेके आया है, पेंट भी लेकर आया है, एक पूरा पेयर लेकर आया यूनिफॉर्म का। सो गाइस ये लड़की जो है वापस आ गई है यार, जब हम आए ना घर इसका मूड थोड़ा हो गया, मैंने ना गुस्से में कहा कि जाओ खुद जाके सीखो खुद ही चलाओ तो तुम्हें चलानी आ जाएगी, तो ये ले गई मेन रोड पे अकेली, हम में से कोई भी नहीं था, ये अकेली थी। ये मेरा बॉयफ्रेंड है वीडियोस में, तो इसका हक बनता है कि इसने भी ड्राइविंग सीखी है, तो मुझे ये ना लॉन्ग ड्राइव पे मैंने इसलिए सीखी है क्योंकि ये जो ड्राइवर है ना हमारा, मेरी गर्लफ्रेंड को बड़ा जलील करता था कहीं पे ले जाने को, मैंने कहा चलो मैं सीख लेती हूँ, मैंने सीखी अभी सीखी नहीं, यानी कि प्रॉपर नहीं आती, बस थोड़ी बहुत ही रेड नहीं आ गई है। अब मैं बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस टाइम अगर मैं गुस्सा ना करती ना, मैंने जान बूझ के गुस्सा किया, मुझे वैसे वो नहीं था, मुझे खुद इतना शौक था मैं सिखा देती, मैंने जान बूझ के फिल्म की बात नहीं है, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, मेरा सेम ऐसी था यार, मैं जब भी मतलब बाबू से जाती थी ना मैं मतलब डर के चलाती थी, और बाकी कोई और मेरे साथ जाता भी नहीं था ठीक है, तो मैं जो है ना खुद ही गाड़ी निकाला करती थी, मेरे से कोई बड़ा नहीं होता, सना भी नहीं जाया करती, सना मजे से घर में सो रही होती थी, मैं बताती हूँ पहले सना सोया करती थी और अम्मी से बातें भी सुना करती थी, बहुत सोती बहुत थी ये, इसको मैं कहती थी ये मेरे साथ आती नहीं थी, ये सोती रहती थी, मैं मुतायरा को भी होता था जुनून, चलो जी मुतायरा छोटी होती, मुतायरा को कुछ नहीं पता होता था, मुतायरा मेरे साथ आती थी ठीक है, तो तुम्हारे साथ मुदस्सिर था ना और अम्मी भी थी तुम्हारे साथ, तो मेरे साथ अम्मी भी नहीं आती थी यार, मतलब मैं अकेली वो अपनी गाड़ी निकाला करती थी, उस टाइम में हमारे पास हैरान होती थी, मैं इतनी गलियों में चलाती थी ना मेन रोड पे, मेरी मम्मी मुझे जाने नहीं देती थी, मेरा बहुत शौक था, तो अब मुतायरा को उनको समझ आ गई कि यार मेन पे जाओगे तो आएगी ना, मैं अभी गलियों में इतनी प्रैक्टिस करती रहती थी, जिस दिन मैं मेन पे भी गई थी ना उस दिन भी मैं अकेली गई थी, कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं था मेरे साथ, मल्ला करके मैं सही से चला के ले गई थी, तो मेरी ये स्टोरी है, तो मैंने इसलिए आज मुतायरा को ऐसे बोला, अगर मैं आज भी इसके साथ होती ना तो इसको मतलब ये ना सही से चला पाती, इसको ये होता ना हाँ यार आप ही बैठी है कुछ मसला होगा वो बताएगी और कैसे कट करना है, मैं इसको जब तक मैं ही उसको बताती रहूँगी तो वो खुद से नहीं कर पाई, जो इंसान खुद से करता है ना, जो खुद से मतलब सीखता है वो एक अलग चीज़ होती है, और जो दूसरे इंसान सिखाता है ना वो एक अलग चीज़ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मेरा ये कहना होता है कि यार आप खुद से सीखो जो भी सीखना है ना, कुछ लोग होते हैं अगर उनको मतलब अगर आपको किसी ने बता दिया कि यार मैं सीख तो बता दिया, अब वो हर चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी बताता रहेगा ना, तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे, आपको हर काम के लिए फिर दूसरे बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप खुद से जब जो सर्च करते हो ना उसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है आपको, बनिस्बत जो दूसरा समझाता है और दूसरे के कहने पर आप अगर करते हो तो खुद से जो भी करते हो उसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, समझ गए होगे आप मेरा कॉन्सेप्ट आई होप। तो मतलब अम्मी चली गई, मैं और सना घर आ गए, ये लोग बाकी तीनों गए थे, ये लोग मेन तक चले गए थे, काके को भी मैंने सोचा कि यार ऐसी मतलब दे देंगे, मतलब अकेला वो चलाएगा गाड़ी में और कोई नहीं होगा, मतलब एक्सपर्ट बंदा कोई नहीं होगा, वैसे मुतायरा बैठी होगी, अम्मी बैठी होगी और उसको दे देंगे, फिर ही वो सीख पाएगा, जब तक हमें से कोई बैठ रहेगा वो कभी भी नहीं सीख पाएगा।
लाइक मेरे कहने का यही मतलब था कि मतलब इंसान को जो है ना, जब तक यार वो उस चीज़ से नहीं करेगा, जब तक मतलब ओरली मतलब उसको बताते रहेंगे जुबान से, उसको नहीं समझाएगी, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से इंसान मतलब फिर वो मतलब और ज़्यादा उसको समझ आने लग जाती है। अगर मैं इसको ज़ुबानी बताती हूँ कि हाँ ऐसे करेगी तो ऐसे नहीं, जब तक वो खुद नहीं एक्सपेरिमेंट करेगी, उसको नहीं करेगी, तब तक इंसान को नहीं पता चलता। और मैंने ना यार ज़्यादातर ना मैं बताती हूँ मैंने कहाँ से सीखा, मेरे पास इतना नॉलेज कहाँ से आता है, और ये सारा सोशल मीडिया और ये वगैरह ये मैंने कहीं से सीखा नहीं, और ना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है, और ये जो सारा कुछ मैं करती आती हूँ, और मतलब मुझे बचपन से ही शौक था, और मैं मतलब इस तरह की चीज़ें करती रहती थी मतलब। और जब मैं मतलब हमारे पास यही गूगल और यूट्यूब, जब इंटरनेट लगा घर में, तो फिर मेरे मतलब ये होता था कि मैं गूगल पे हर चीज़ को मतलब सर्च करना, और अभी तक भी मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आती ना, मैं सबसे पहले गूगल करती हूँ, मैं लोगों से नहीं पूछती। गूगल करने के बाद अगर मुझे ना समझ आए, मेरी समझ से बाहर हो वो चीज़, फिर मैं मतलब किसी से पूछती हूँ, वरना सबसे पहले मैं गूगल पे ही मतलब खुद से मतलब कहती हूँ कि हाँ यार खुद करो, अगर तुम्हें ज़्यादा जल्द समझ आएगी। तो आप लोग भी जो है ना, सबसे पहले गूगल ही क्या करो, दूसरों से मत पूछा करो ज़्यादा, क्योंकि गूगल से ही सब कुछ करो तो होता है। बाकी यही गाड़ी का वही मैं कह रही हूँ कि मतलब तुम चलाओ, तुम्हें एक्सपेरिमेंट होगा, हाँ यार ये चीज़ कैसे, गूगल भी सारा कुछ बताती है। जिसको जुनून होता है ना यार, वो खुद इंटरेस्ट की बात होती है, तो वो खुद ही सर्च करता है, और फिर जो फिर वो जल्दी सीख भी जाता है इंसान। सना को फोबिया और सना को इंटरेस्ट भी नहीं है, तभी सना नहीं चला पाती, इसको जुनून था तभी ये चला पाई है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपने कहना बहुत ज़्यादा बोल दी है, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।